कक्षा दसवीं पाठ नौ बरखा गीत इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कवि परिचय और पाठ की व्याख्या समझा दी है, अब आप पाठ का अभ्यास समझिए। निकाल लीजिए, बरखा के आगमन पर धरती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वर्षा के आने पर जब बरसात होती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है और फिर हरियाली होने लगती है, पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं जिससे छाया घनी हो जाती है और सभी पानी से तृप्त हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, पीड़ा दुलारने वाला किसे कहा है। पीड़ा दुलारने वाला घनश्याम को कहा है, अर्थात कृष्ण को कहा है। प्रश्न दीर्घ उत्तरी देखिए, वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को क्यों रहती है। देखिए, वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को रहती है क्योंकि जल ही जीवन है। छोटे बड़े सभी प्राणी बिना जल के नहीं रह सकते। जल वर्षा होने से ही सूखी धरती मुरझाई धरती हरी भरी हो जाती है। वर्षा होने से ही फसलें पैदा होती हैं, जो जिसका अन्न सभी के लिए आवश्यक होता है और जल की भी सभी को आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षा की प्रतीक्षा सभी को रहती है। गर्मी के बाद ही वर्षा की ऋतु आती है। गर्मी से सभी बेचैन रहते हैं और वर्षा होने से धरती में ठंडक भी आ जाती है। अब देखिए, वर्षा गीत में कवि ने वियोग जन्य पीड़ा को किस प्रकार चित्रित किया है। उत्तर समझिए, वर्षा गीत में कवि के मन की व्यथा व्यक्त की है। वर्षा होने से चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ। वर्षा होने से धरती पानी से तृप्त हो गई है और हरियाली छा गई है, लेकिन अभी तक ऐसी वर्षा नहीं हुई है जो कवि के हृदय को हर्षोल्लास से भर दे। अब छाया का साथी सूर्य बन गया है, लेकिन कवि का साथी कोई नहीं हुआ है। कवि अभी भी साथी रहे थे। बांसुरी दूर बज करके बड़ी बड़ी बज रही है, उसकी ध्वनि को सुन करके कोई मीरा जागृत हो गई है। कवि अपने मन में वियोग को उत्पन्न करता है, उसे ऐसा प्रेम करने वाला कोई साथी नहीं मिला जो प्रेम रूपी मरियम की पट्टी लगा सकता और उसके दुख को दूर कर सकता। इस प्रकार कवि के वियोग जन्य पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति बरखा गीत में कवि ने व्यक्त की है। जागी फिर से सोई पीड़ा से कवि का क्या आशय है। देखिए, जागी फिर से सोई पीड़ा का आशय यह है, वर्षा के आगमन पर बंसी की तान छड़ गई है। इसका स्वर सुन करके कोई सोई हुई पीड़ा फिर से जागृत हो गई है। बंसी की ध्वनि में प्रिय मिलन के शांत पड़े भाव को उसने तीव्र बना दिया है। फिर विरह जन्य वेदना मीरा की पीड़ा की तरह बढ़ती गई है। कवि के मन की पीड़ा भी बढ़ती गई है। कवि को ऐसा साथी कोई नहीं मिला जो उस पीड़ा को उससे निकाल सकता। अब देखिए, भाषा अनुशीलन, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पेड़, पेड़ का तो आप सभी जानते हैं, वृक्ष, वृक्ष, तरु, पेड़, अंबर का भी सभी जानते हैं, आकाश, गगन, प्रहरी का भी सभी जानते हैं, प्रहरेदार या पहरेदार, रक्षक, बादल, घन, मेघ। बादल अलग होता है, मेघ और बादल एक ही होता है, आकाश और आसमान ये अलग होते हैं। बादल पानी से भरा हुआ रहता है,
अब देखिए, समास विग्रह करना है। घन श्याम, घन के समान श्याम कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विशेषता बताई है। मधुवन, मधुर है जो वन, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। वर्षा गीत, वर्षा का गीत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीला है अंबर, ये कर्मधारय में चला गया, और पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान, ये बहुव्रीहि समास में चला गया। मैं हर बार आपको ये दो तीन उदाहरण दो दो समास में बताती हूँ, आप भी ध्यान में रखना। अब देखिए, भाव सौंदर्य मैंने अब भी समझाया है, वही का वही रहेगा। यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द बताना है। तद्भव दिए हैं, इनका हमको सत्सम बताना है। वर्षा, तो वर्षा कैसे लिखते हैं, षटकोण का सा आएगा, ऊपर रा की रेफा आएगी, तो जी कौन सा हो जाएगा अपना, वर्षा तत्सम रूप। धरती, धरती को बोलते हैं धरित्री, दा छोटा दा, रा में छोटी की और त्रा में बड़ी की। बांसुरी जो लिखा है उसको वंशी बोलेंगे, वा वजन का ऊपर बिंदु और सामने बड़ी की मात्रा सी वंशी। रीति, रीति को रिक्त बोलेंगे, रिक्त लिखते आपसे बन ही जाता है। दिन को बोलते हैं दिवस। मैंने तद्भव शब्द को तत्सम में करके बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको ये बधाई पाठ समझा दिया है।